कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि लक्ष्मी को घर ले जाएगा और घर ले जाने का डिसीजन इस समय पूरी तरीका से ऋषि का है। लेकिन दोस्तों, वहीं आयुष को थप्पड़ पड़ता हुआ नजर आने वाला है ऋषि की मॉम नीलम का, क्योंकि नीलम कभी नहीं चाहती कि लक्ष्मी इस घर में आए, लेकिन नीलम थप्पड़ मारती हुई नजर आने वाली है आयुष को और बोलती हुई नजर आएगी कि तुझे ज्यादा ही खुशी लगती है जिस चीज में हम दुखी होते हैं लक्ष्मी का नाम सुनने से, और लक्ष्मी इस घर में आ रही है तो तुम खुशी हो रहे हो, नाच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे घर में खाली मेरे अलावा किसी की नहीं चल सकती, इस तरीका से टोन मारती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में वाकई में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इधर लक्ष्मी की चाची बोलती हुई नजर आने वाली है कि लक्ष्मी को यहां से ले तो गया है, लेकिन देखते हूं कि आखिरकार रखेगा किस हिसाब से, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन इधर मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का बहुत ज़्यादा अपसेट है और मलिष्का लगातार ऋषि की मॉम नीलम को भी भड़काती हुई नजर आने वाली हैं, वो भी ऋषि के खिलाफ, क्योंकि ऋषि के खिलाफ भड़काने के लिए और लक्ष्मी के खिलाफ भड़काने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। और इस समय मलिष्का जो टारगेट कर रही है अकेले लक्ष्मी को नहीं, बल्कि अब ऋषि को भी टारगेट करने का कोई भी किसी भी तरीका का मौका वो नहीं दे रही है। इधर साफ साफ बोल दिया है ऋषि की मॉम नीलम ने भी कि हम देखते हैं हमारे फैसले के खिलाफ हमारा बेटा ऋषि कैसे जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से कहानी में वाकई में ज़बरदस्त टूश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए इस समय लक्ष्मी की तो लक्ष्मी पूरी तरीका से बात मान तो चुकी है इस समय, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ में घर वाले क्या करेंगे और कैसे करेंगे। क्योंकि अगर ऋषि की बात की जाए तो ऋषि अब इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि घर वालों का रिएक्शन अलग होगा। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लगी वीडियो।